हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। उनमें से एक गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हम करने जा रहे हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट। हमने लिया है एक खाली ग्लास, इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है इसके साथ अब हम ऐड कर रहे हैं विनेगर। विनेगर को ऐड करते ही आप देखिए कि आपको क्या दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे एफरवेसेंस दिखाई दे रहे हैं। अब हमें देखना यह है कि ये जो एफरवेसेंस है ये किस गैस की वजह से। तो हमने लिया एक फनल और साथ में लिया एक बलून, इसके अंदर ऐड कर दिया हमने 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। साथ में हमने लिया है एक बॉटल जिसके अंदर हमने एड ऑन करके रखा है विनेगर। अब हम इसको उसके ऊपर कैप कर देंगे इस बलून के, और जैसे ही हम बलून को सीधा करेंगे तो एक एफरवेसेंस प्रोड्यूस होने की वजह से देखिए आपका बलून जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, यानी बलून जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फिल हो रही है। ये वो बलून जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड से फिल किया था, अब इसको हम इस बर्निंग कैंडल के ऊपर डालेंगे। तो जैसे ही आप इस कैंडल के ऊपर ये बलून की एयर यानी बलून का कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसके ऊपर डलता है, ऐसे ही कैंडल जो है वो बुझ जाती है, यानी कि ये गैस जो बलून के अंदर प्रेजेंट थी वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका रिएक्शन देख लेते हैं। NaSCO3 जो कि आपका बेस है, जो हमारा बेकिंग सोडा हमने लिया था, एसिडिक एसिड जो थी वो विनेगर की वजह से प्रेजेंट थी और हमारी एसिड है। एक एसिड और एक बेस मिलकर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो करते हैं एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस न्यूट्रलाइजेशन के अंदर जो हमारे पास ये प्रोड्यूस हो रहा है ये हमारा सॉल्ट है, वाटर रिलीज हो रहा है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट गैस एक्सपेरिमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से एफरवेसेंस आपका प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से आपकी बर्निंग कैंडल थी वो बुझ रही थी। तो ये था हमारा आज का डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट।